Garuda Express, an international courier service. जो कि यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ाई और कलवरी में उनकी मौत को दर्शाता है। यह शुक्रवार ईस्टर रविवार के पहले शुक्रवार को पवित्र सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। यह पवित्र शुक्रवार ग्रेट शुक्रवार, ब्लैक फ्राइडे या ईस्टर फ्राइडे के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि अंतिम रूप से ईस्टर सप्ताह में शुक्रवार को ठीक से संदर्भित होता है। इस दिन लोग उपवास और प्रार्थना करते हुए देख सकते हैं। इस दिन लोग दोपहर में चर्च की सेवाएं लेते हैं, आमतौर पर 3 बजे के आसपास। उस समय को याद करते हैं जब यीशु ने क्रॉस पर लटका दिया था। कई चर्च भी क्रॉस के जुलूस के पुनः रूपांतरित करते हैं, जो यीशु के जीवन के अंतिम घंटों को दर्शाता है। जुलूस कई देशों में जैसे भारत, इटली, माल्टा, फिलीपींस और स्पेन में आयोजित किए जाते हैं। गुड फ्राइडे पर यहाँ याद कर सकते हैं कि यीशु ने स्वेच्छा से कैसे क्रॉस पर चढ़े और मर गए और हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान दिया। इसके बाद रविवार को ईस्टर का पालन किया जाता है। उस दिन के योग्य उत्सव जब यीशु को मरे हुए से उठाया गया था, जो पाप और पुण्य पर अपनी जीत का संकेत देता है और भविष्य में उन सबके लिए मार्गदर्शन देता है जो विश्वास के द्वारा एकजुट हो जाते हैं। हम बैड शुक्रवार या कुछ इसी तरह के बजाय शुभ शुक्रवार क्यों यीशु की मृत्यु का दिन कहते हैं? गुड फ्राइडे नाम पूरी तरह से उपयुक्त है क्योंकि यीशु की पीड़ा और मृत्यु भयानक थी। क्योंकि हम सभी जानते हैं, यह अपने लोगों को अपने पापों से बचाने के लिए भगवान की योजना के नाटकीय चरम बिंदु को दर्शाता है। गुड फ्राइडे उस दिन को चिन्हित करता है जब क्रोध और दया क्रॉस पर मिले। यही कारण है कि गुड फ्राइडे बहुत अंधेरा है और इतना अच्छा है।